सो हे गाइस, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप जो हमारी अलाइट कैली आ चुकी है उसे कैसे यूज करें, यानी कि उसकी स्किल बताएंगे हम, एबिलिटी और लाइव टेस्ट हम ट्रेनिंग मोड में भी आपको करके बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम गवाए। मेरा नाम है राज और आप सभी का स्वागत करता हूँ राज गेमिंग 725 यूट्यूब फैमिली में। तो दोस्तों कैसे हो, उम्मीद करता सब बढ़िया होंगे, आगे भी बढ़िया रहना। तो गाइस ये कंप्लीट करने के लिए मॉर्निंग से खेल रहा था, एक लाइक तो इस पर बनती है गाइस, क्योंकि बहुत मेहनत की तब जाके मेरा 600 किलोमीटर वाला कंप्लीट हुआ, बाकी तो सब हो गया था गाइस, किल किल सब कुछ हो गया था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस आपको ये चार मिशन कंप्लीट करने पड़ेंगे, ये सब क्लेम करोगे तो आपको अलाइट कैली बन जाएगी। कैसे बनेगी, यहाँ नीचे एक अवेकिंग करके लिखा हुआ है, इसके अलावा आप ये स्टोरी भी पढ़ सकते हो। और जैसे ही आप अवेकिंग पे इंटर करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, ये स्टोन आपको अलाइट कैली का लेवल खोलने में काम आएगा, वो भी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे कि उसका लेवल कैसे खोलते हैं। तो गाइस ये हो गई हमारी फाइनली अलाइट कैली ओपन। अब इसे लगाएंगे कैसे गाइस, सबसे पहली बात ये कि लगाएंगे कैसे, तो लगाएंगे कैसे वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे। तो आपको यहाँ से कर लेना है बैक और जाना है सीधा अपने वॉल्ट के अंदर, और वॉल्ट के अंदर जाओगे तो आपको यहाँ एक बंडल्स का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप बंडल्स पे जाओगे गाइस, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ, बंडल्स के ऊपर जाओगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा कि पूरा अलाइट कैली का बंडल आपको मिल जाएगा ये जैसे मिशन कंप्लीट करोगे। तो इसको कर देना है आपको ओपन। ओपन करने के बाद गाइस यहाँ देख सकते हो आपके सामने बन चुकी है अलाइट कैली, तो बहुत ही आसान है। इसके अलावा नॉर्मल कैली और अलाइट कैली दोनों ही आपको वहाँ ऑप्शन मिल जाएंगे स्विफ्ट करने के, ठीक है गाइस। तो अब इसका लेवल कैसे बढ़ाए, तो लेवल अपग्रेड करने के लिए आपको ये स्टोन चाहिए और कुछ फर्ग्यूमेंट्स चाहिए। तो फर्ग्यूमेंट्स तो होंगे, आपको स्टोन चाहिए, दो स्टोन मेरे पास अभी पड़े हैं फिलहाल। इसका एक रीजन है कि एक मिला मुझे अलाइट पास का और एक अभी मिला जो ये मिशन कंप्लीट किया इसका, तो दो लेवल में अप कर दूंगा। तो गाइस अब बात करते हैं ये वर्क क्या करती है। तो गाइस वर्क में आपको पहले ये काम कैसे करती है वो बता देता हूँ, फिर आपको टेस्ट करके बताऊँगा। तो वर्क गाइस इस तरह करते हैं कि आपको अलाइट कैली को लगातार 7 सेकंड तक भगाओगे आप। 7 सेकंड कोई बड़ी बात नहीं होती गाइस, 7 सेकंड तक लगातार भगाओ फिर आप खड़े रहोगे तो इसकी जो होती है ना स्किल और एबिलिटी वो एक्टिव हो जाती है, और स्किल और एबिलिटी एक्टिव होने के बाद 5 सेकंड तक वो वर्क करती है। तो कैसे करती है, तो यहाँ देख सकते हो गाइस मैंने इसको AWM से आपको दिखा रहा हूँ, तो विथआउट कैली मैंने यूज नहीं की थी, 7 सेकंड तक नहीं भागा था। इसके अलावा सीधा मारा तो 150 का उसको पड़ा, 150 का पड़ा, आप समझ गए। अब मैं 7 सेकंड तक आपके सामने भागूंगा और फिर गाइस जो हमारा 7 सेकंड तक भागने के बाद वो कितना हमें डिफरेंट देखने को मिलता है डैमेज में, तो इसको डैमेज के लिए हम सब की यूज करने वाले। तो मैं आपको 7 सेकंड भागने के बाद आपको दिखा देता हूँ कि अलाइट कैली का AWM का सिर्फ बॉडी शॉट कितने का पड़ता है। तो 7 सेकंड हो गई गाइस, अब यहाँ जैसे ही मैं खड़ा रहूँगा तो यहाँ लिखा आ जाएगा कि आपकी अलाइट कैली एक्टिव हो चुकी है। तो गाइस देख सकते हो एक्टिव होते 172 का उसको पड़ा है गाइस अलाइट कैली के साथ। तो यहाँ पूरा देखें तो 22 का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है डैमेज में अलाइट कैली और विथआउट अलाइट कैली। तो गाइस अगर आपको पूरे एयर गन्स की डैमेज देखनी है तो मैं पूरा कस्टम बना के बनाऊँगा, तो आप कमेंट करना कि आप ऐसा वीडियो बनाओ जिसमें इसका रल कोई भी हो, एक्सेमेट हो, कोई भी लेजेंडरी गन हो या ना हो, विथआउट स्किन जो भी गाइस आप बोलोगे कमेंट करना कि आप इस गन के ऊपर वीडियो बनाना, ताकि गाइस मैं वो वीडियो कस्टम में मुझे बनाना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन आपके लिए बना दूंगा। तो गाइस कमेंट करना, और अलर्ट के लिए मैं कुछ भी ना समझ में आए तो भी कमेंट करना ताकि दूसरा वीडियो भी हम बना दें। और गाइस आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और गाइस जल्दी हम लाइव आएंगे, और अलर्ट के लिए अभी तो एक दो पार्ट और आएंगे तो वेट कीजिए तब तक। और गाइस बस इतना ही, और थोड़े काम में होने की वजह से डेली के दो वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, एक ही डाल पा रहा हूँ उसके लिए सॉरी। और गाइस अलाइट के लिए मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ तो काफ़ी हद तक अच्छी है और काफ़ी हद तक नहीं भी अच्छी है। इसका हम कंपैरिजन डीजे आलोक के साथ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत और लव यू ऑल गाइस। और ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके जाना। बाय बाय, टाटा सी यू।